नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। अमेरिका पर यूक्रेन ने युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए चीन ने कहा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो को खत्म कर देना चाहिए था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजा ने कहा कि नाटो के सदस्य देशों की संख्या 16 से बढ़कर 30 हो गई है और वो 1000 किलोमीटर से भी आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं रूस सीमा के समीप पहुंच गए हैं और एक एक कदम उठाते हुए रूस को धकेला दिया है। झाओ ने बयान भी ऐसे समय में दिया है जब चीन और यूरोपीय संघ के नेता एक सम्मेलन के लिए डिजिटल तरीके से बैठक कर रहे हैं। इस सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा छाये रहने की ज्यादा संभावना है। यूक्रेन और रशिया में चल रही गंभीर जंग के बीच भारत आ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिल्ली में आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता के दौरान कहा कि भारत हमेशा से मतभेदों और विवादों को बातचीत तथा कूटनीति के जरिए सुलझाने के पक्ष में रहा है। इस दौरान लावरोव ने भारत को धन्यवाद भी दिया। श्रीलंका सरकार ने मौजूदा आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास पर हुए हिंसक प्रदर्शन को शुक्रवार को आतंकीकृत करार दिया और इस घटना के लिए विपक्ष दलों से जुड़े चरमपंथी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। राजपक्षे के आवास के बाहर बृहस्पतिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे, जिन्होंने द्वीप राष्ट्र में भीषण आर्थिक संकट को दूर करने में उनकी विफलता को लेकर उनके इस्तीफे की मांग करी। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी थी। आंदोलन के हिंसक होने से कई लोग घायल हो गए और वाहनों में आग लगा दी गई। राष्ट्रपति के आवास के पास लगे स्टील अवरोध भी गिराए जाने लगे। उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार करी। इस संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोलंबो शहर के अधिकांश हिस्सों में कुछ समय के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से ईंधन जैसे आवश्यक सामान की कमी हो गई है। देश में हालात ये है कि दिन में 13 घंटे तक की बिजली गुल रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समाज से बेटे और बेटियों के अंतर को खत्म करने और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराने का आग्रह किया और कहा कि जो समाज बेटियों के सामर्थ्य को पहचाने से चूक जाता है वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लड़कों और लड़कियों के बीच में मतभेद प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में नए छात्रों के बीच लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ देंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब हर भारतीय लड़की की आकांक्षाओं और भावनाओं पर गौरव महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब लड़कियां हर परिवार की ताकत और संपदा बन गई हैं। ये बदलाव जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने शुक्रवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ रविवार को अविश्वास प्रस्ताव से पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इमरान खान की हत्या की साजिश की सूचना दी है। डॉन अखबार ने चौधरी के हवाले से बताया कि इन खबरों के बाद सरकार के फैसले के अनुसार खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उनका यह बयान तब आया है जब एक हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता फैसल फावड़ा ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान के देश को बेचने से इंकार करने पर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। वावड़ा ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है। वावड़ा ने यह भी कहा था कि खान को कई बार कहा गया कि 27 मार्च को हुई उनकी रैली के मंच के सामने बुलेट प्रूफ कांच लगाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया था। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में गिरावट के चलते कुछ राज्यों में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना न लगाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाना जल्दबाजी वाला कदम होगा। उनका कहना है कि मास्क का प्रयोग करने से कोरोना वायरस के अलावा इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता में ढील देने का निर्णय लिया था। पिछले 2 सालों से लागू इस नियम के तहत मास्क नहीं लगाने पर 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।